एचएसपी विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के साथ हो रही है मीटिंग। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बातचीत जारी है। हरियाणा सचिवालय में अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद हैं। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव आर के खुल्लर भी बैठक में शामिल हैं। प्रधान सचिव वी उमाशंकर मौजूद हैं। एचएसवीपी के तमाम आला अधिकारी भी बातचीत में बैठक में मौजूद हैं। शहरी विकास प्राधिकरण की योजनाओं को लेकर चर्चा आज की जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तमाम योजनाओं को लेकर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। अलग अलग परियोजनाएं योजनाएं जो शहरी विकास प्राधिकरण की हैं, उन योजनाओं को लेकर बैठक में आज मुख्यतः चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सीएम के मुख्य प्रधान सचिव भी बैठक में मौजूद हैं और एचएसवीपी विभाग के भी सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, एचएसवीपी विभाग के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जारी है। सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर के खुल्लर, सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और एचएसवीपी के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक जारी है, करीबन एक घंटे के आसपास का समय हो चुका है, क्या कुछ ताजा जानकारी निकल कर आई है? पवन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पवन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एचएसवीपी के साथ आज सीएम चर्चा कर रहे हैं, करीबन घंटा भर हो चुका है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? आज बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक इस वक्त चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में जारी है। बैठक कुछ ही देर बाद खत्म होने वाली है, क्योंकि करीब डेढ़ घंटे के आसपास से ये बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव आर के खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में एचएसवीपी की तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है और बैठक में एचएसवीपी से जुड़े तमाम जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी पवन, अब चुनावों से पूर्व हालांकि तमाम कार्यक्रमों की अपनी वैल्यू है, एक और अगर आज की बैठक को देखें तो शहरी विकास के नजरिए से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स रह सकते हैं जिनको और तेज गति से आगे अमल में लाया जा सकता है? देखिए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो लगातार विभिन्न विभागों के साथ तमाम जो बैठके हैं वो लगातार चंडीगढ़ में कर रहे हैं। पिछले करीब हम 2 महीने की बात करें तो लगातार तमाम विभागों के साथ बार बार रिव्यू बैठके मुख्यमंत्री की हो रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास है कि चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता लागू होनी है उससे पहले तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ी परियोजनाएं हैं, उनको पूरा कर लिया जाए, उनके ऊपर पूरा होमवर्क जो है वो पूरा हो जाए, इसको लेकर लगातार बैठक करें। और आज भी इसी कड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे उसमें शहरों के अंदर जो हुडा के जो सेक्टर है, एचएसवीपी के जो सेक्टर है, उन सेक्टरों की डेवलपमेंट किस रूप में हो रही है, कहां कहां कौन कौन सी शहरों में नए एचएसवीपी के सेक्टर प्रस्तावित हैं, उनकी क्या स्थिति है, और एचएसवीपी के जो सेक्टर हैं उनमें जो रोड हैं उनकी क्या स्थिति है, तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक में की जा रही है। जी बिल्कुल पवन, और इसी मायने में काफी महत्वपूर्ण है आज की पूरी मुलाकात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारे काम जो हैं वो रुक जाएंगे, चुनाव संहिता लागू होने के बाद उससे पहले तमाम बड़े कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले करीब 60 दिनों से ज्यादा समय से तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक बैठकें करते नजर आ रहे हैं। और शहरी विकास प्राधिकरण चूंकि शहर के विकास से संबंधित है, इस लिहाज से कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है।